अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शायन और आपको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हैदराबाद बर्ड्स में। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो अंडों को स्टोर करने का तरीका, सबसे आसान तरीका। ठीक है जी, तो कोई भी आपने शू बॉक्स लेना है, अंडों को स्टोर आपने किस तरीके से करना है दोस्तों, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो दोबारा एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। कोई भी शू बॉक्स ले लें, इसको कवर करना लाजमी नहीं है। अगर चूहे वगैरह या बच्चे हैं आपके घर में तो कवर कर दें। कोई भी एक सादा सा कपड़ा ले लें। ठीक है जी, घास वगैरह रखते हैं लोग, और जो है रुई वगैरह रखते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखते हैं। कुछ लोग बाजरे में रखते हैं, कुछ लोग अपने, सबके अपने अपने तरीके हैं। ठीक है जी, इससे अंडे ख़राब नहीं होते, नीचे नरम जगह है, अंडे जो है सेफ़ रहते हैं दोस्तों। आपने इसको इस तरीके से जो है करके सेट कर लेना है कपड़े को, और फिर जो भी आपके एग्स जमा हो रहे हैं वो आपने एग्स उठा के जो है इसके अंदर रख देने। ठीक है जी, जैसे अभी एक ले एग जो है हमारा ले किया है फीमेल ने, तो एग एग जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब इस पर नंबरिंग करना भी लाजमी है दोस्तों, जैसे जैसे एग्स की तादाद बढ़ती जाएगी मैं नंबरिंग करूँगा, और नंबरिंग करके आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों कि ये इस तरीके से जो है सारे मामलात हमने करने हैं, नंबरिंग क्यों करनी है और किस वजह से करनी है, तो वो भी आप लोगों के साथ में सारी डिटेल शेयर करूँगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है एग्स वगैरह रख सकते हैं। छत पर ना रखिएगा, कौवे वगैरह का डर रहता है। ठीक है दोस्तों, इनको सेफ़ जगह रखिएगा, और कवर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह इनकी ब्रीड जो है लेके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।